अब हेल्थ केयर कॉन्क्लेव फिटनेस फर्स्ट, अ स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग हेल्दी एंड फिट, को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन जिसका नाम है जब तक है जान। हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हार्ट एंड किडनी। इन दोनों के माल फंक्शन होने से हमारी जान पे भी बन सकती है। दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू हार्ट एंड किडनी। टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक I would like to call upon stage my colleague Aditi Tyagi and Umesh Sharma to please come on stage. Now I request my honorable guests to please come on stage. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी Dr. तेजिंदरपाल सिंह खुराना, Department of Urology and Renal Science, MBBS, MS. MCH Urology, Park Clinic Hospital Ambala. Welcome sir. अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर करमवीर एस सबरवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी, रोबोटिक एंड रेनल ट्रांसप्लांट सर्जन, सोहाना हॉस्पिटल। वेलकम सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर राजेश विजयवर्जिया, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, Department of Cardiology, PGI, MEA. Welcome, sir. Over to Aditi. Thank you so much. सवाल पूछ लूं आप लोगों से, इनसे तो पूछना ही है। किस किस के घर में किडनी का पेशेंट है? एक अच्छी बात है। मैं चाहती थी आपका भी हाथ ना उठता। किस किस के घर में यूरिनरी यूरोलॉजी से जुड़े हुए पेशेंट्स हैं? यहां पे किस किस को अभी तक इन्फेक्शंस हुए? किसी को नहीं हुआ? सब इतने 100% फिट, क्या बात है भाई। चंडीगढ़ शहर है ना एक्चुअली, हाँ तो ग्रीनरी है यहाँ पे, काफी सुखना लेक है, हाँ उसका फर्क भी पड़ता देती। अच्छा, हम दिल्ली वाले हैं इसलिए हमारे यहाँ साफ हवा नहीं है, इसलिए मैं हैरान हो रही हूँ। भाई आप लोग सच बोल रहे हो ना या शर्म आ रही है? आवाज तो निकल नहीं रही है आप लोगों की। मैं जब दिल्ली में सुनती हूँ चंडीगढ़ वालों के बारे में तो लोग बोलते हैं अरे इतने एनर्जेटिक होते हैं, अरे जज्बा इतना होता है और पता नहीं क्या क्या वो कर देंगे। और इस रूम में आके तो मुझे लग ही नहीं रहा मैं चंडीगढ़ वालों के बीच में। नो, आई एम जस्ट जनरली आस्किंग यूरोलॉजी केसेज मैम, नॉट एग्जैक्टली जी। चलिए साहब मैं आपसे ही शुरू करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एज मैम ऑल्सो पॉइंटेड आउट इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन एंड देयर इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ टैबू, पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ये एक्चुअली इससे जुड़ा हुआ एक सिंड्रोम भी है, वो जो शाय सिंड्रोम है उसके बारे में मैं पढ़ रही थी बहुत सारे रिपोर्ट्स के बारे में। ये जो यूरोलॉजी में चैलेंजेस है उसमें सबसे पहले डॉक्टर तेजिंदरपाल मैं आपका एक कमेंट चाहती हूं कि किस तरह के केसेस और क्या ये नंबर ऑफ केसेस जो है ऊपर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें 10% नहीं ये दूसरे केसेस हैं लेकिन 10 to 17% यूरोलॉजी केसेस की बात की जा रही थी। इज इट ट्रू? ये डेटा रिपोर्ट टू रिपोर्ट वेरी होता है। थैंक्स फॉर हैविंग मी, बट दी ओनली थिंग इज डेटा इज ऑलवेज अंडर रिपोर्टेड। You talk to, I have been trained in Rajasthan, वहाँ पे ये syndrome बहुत ज्यादा है, it's more than 50 to 60%, because especially women they are the most sufferers of this syndrome, because हमारा society ऐसी है कि especially आप male doctor को मिलते हैं they are very reluctant to tell कि उनकी problems क्या हैं, husbands and mother-in-laws they are more into it, इसको ये हो गया इसको ये होगा, ठीक कर दो ठीक कर दो ठीक कर दो। बट फैक्ट इज इट इज वेरी अंडर रेटेड डाटा। ये मोस्ट लाइकली उन इंस्टीट्यूशंस का डाटा जो रिपोर्टिंग होती है, मोस्ट ऑफ आर इंस्टीट्यूशन में रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। आप पेरीफ्री में जाओ वहां पे और डेटा बढ़ेगा। मेल्स आर यूजली वेरी मच कि वो तो केमिस्ट की शॉप पे भी चले जाएंगे, हमें दवाइयां दे दो, एंड केमिस्ट हमारे आजकल 2 मिनट में दवाइयां निकाल के दे देते हैं। विमेन के लिए कोई नहीं है, वो एक्सट्रीम एक्सटेंट पे जाती हैं तब जाके कोई उनको केटर करता है कि कोई डॉक्टर या किसी केमिस्ट के पास लेके जाता है। सो इट्स अ वेरी अंडररेटेड, डेटा इज वेरी अंडररेटेड। मेरा सवाल प्रोफेसर राजेश विजयवर्गीय से है। डॉक्टर साहब इंडिया में या कहीं भी हम बात करें, अब मैं अगर बात करूं कि दिल पर बहुत गाने बने, गुरदास मान साहब का गाना आता है दिल दा मामला। जब मामला ही सारा दिल का है, बात दिल की है, धड़कन की है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि जहाँ पे हमारे दर्शक बैठे हैं जो देख भी रहे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मैं दिल के डॉक्टर से उनके दिल के बारे में पूछूंगा, आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखते हैं? मैं अपने दिल का ख्याल प्रोफेशनल एक्टिविटी में बिजी रह के करता हूँ। थोड़ा नजदीक रख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी डू एंजॉय देयर प्रोफेशनल वर्क and I really do enjoy treating my patients. Second thing is to balance between work and personal life. तो healthy life के लिए मैं jogging तो आप नहीं करता हूँ, लेकिन walk है और swimming. तो these are the two things which I do to make me healthy. And a balance between the two, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। ओपीडी से जब पेशेंट निकलता है पीजीआई से, बहुत सुकून मिलता है कि डॉक्टर साहब ने 5 मिनट पूरे लगा दिए, पूछ लिया और एक तसल्ली मिल गई। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि एक डॉक्टर जो दिल का डॉक्टर है, और आजकल हालात भी दिल के कुछ ठीक नहीं है। हाँ, पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट में पेशेंट का लोड काफी है, लेकिन एक सुकून से बैठ के अगर बात की जाए और जो भी प्रॉब्लम है वो सुनी जाए तो कुछ हद तक साइकोलॉजिकल इफेक्ट से पेशेंट काफी कुछ कन्विंस हो जाता है। और ऑफ कोर्स अभी दवाई और इंटरवेंशन इस तरह के हैं कि हम कुछ हद तक, बहुत कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं, सिम्टम वाइज, क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइज, क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ये सभी कुछ फेवरेबल हो जाते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब से कोविड हुआ है उसके बाद से बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, और वो वीडियोस जब वायरल होते हैं जो शोज कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई जिम में है कार्डियक अरेस्ट हो गया, कोई पार्किंग में है, उसको फेमस एक्टर हैं जद्दात, उनकी डेथ ने हर किसी को शॉक कर दिया, और ये इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा देखने और सुनने में आते हैं। मैं आपसे जो सवाल है मेरा, ये केसेस क्या ज्यादा अब रिपोर्ट हो रहे हैं या ये एक्चुअली नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं? एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे आजकल हर वीडियो वायरल हो जाता है। इंसिडेंट पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट पहले भी यंग एज में होते थे, ओल्ड एज में होते थे। आजकल यह है कि एयरपोर्ट पे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, स्टेज पे हो रहा है, वो वीडियोस है, सीसीटीवी कैमरे से अवेलेबल हो जाता है, तो वो सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट डिजीज के कुछ रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओवरवेट, स्ट्रेस। तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं, ये यंग हो या ओल्ड, सभी में हो सकते हैं। अगर यंग बंदा जिम में जा रहा है, वो हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, तो उसको कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी यंग इंडिविजुअल है या जिनको सिम्टम है, वो एक बार अपने फिजिशियन से इवेल्युएट करा लें कि कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसी के बाद में स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हूँ। लास्ट सेशन में ऑर्थोपेडिशियन स्पेशलिस्ट ने बताया कि एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व ना हो। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करें। अनकंफर्टेबल हो, कहीं दिक्कत आ रही हो, सांस की दिक्कत है, सीने में दर्द है, तो उस समय रुकें और फिजिशियन की सलाह। जल्दी से अदिति के सवाल में एक ऐड करता हूं और फिर डॉक्टर करमवीर सबरवाल से बात करूंगा कि अभी एक मैं डाटा देख रहा था कि भारत की आबादी का जो प्रतिशत है 50% हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं, और 23-24 का एक डाटा मैं देख रहा था, डाटा वेरी करता है। क्या आपकी ओपीडी में आफ्टर कोविड की भी बात करें या पहले में बढ़ोतरी आप दर्ज देख रहे हैं कि वाकई ये ज्यादा हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं, ये बढ़ोतरी है? हाँ, कुछ हद तक बढ़ोतरी है। पहले का जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है उसमें रूरल पॉपुलेशन में करीब 5% और अर्बन में 15% के करीब पॉपुलेशन को हार्ट की डिजीज है, वो 2 से 4% इंक्रीज हुई है। और इसके एक मल्टीपल फैक्टर हैं, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग। नॉर्दर्न इंडिया में हार्ट डिजीज ज़्यादा है कंपेयर टू साउथ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, इंक्रीज अल्कोहल इंटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि नॉर्दर्न इंडिया में इसका प्रीवेलेंस ज़्यादा है, और इसी वजह से ओल्ड एज के अलावा यंग एज में भी हार्ट अटैक होना, सोशल गैदरिंग में ऑल ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट होके एक्सपायर होना, जिम में एक्सपायर होना, ये कुछ डॉक्टर करमवीर, मैं आपसे सर पूछूंगी प्रोफेसर साहब कि कैसे दिल का ख्याल रखा जाए। दिल का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, दिल टूट जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, या दिल का दर्द तो जान ही ले लेता है। हालांकि बॉलीवुड में से बहुत जिस तरह से रोमांटिसाइज किया जाता है वो एक अलग लेवल है, लेकिन जो सर मेरा सवाल है उसी पॉइंट पर लौट रही हूँ जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। ये जो शाइनेस है और ये जो शाई ब्लैडर सिंड्रोम है उसके बारे में मैंने जानबूझ के पढ़ा डिटेल में जाके, क्योंकि एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि यार मैं इसके बारे में कैसे बात कर सकता हूँ, मैं ये कैसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो जो पेशेंट आता है ये मोर सोसाइटल इशू है, वेयर पीपल डोंट हैव अ डिस्कशन अराउंड इट एट होम और एट द प्लेस ऑफ वर्क, और इज इट मोर लाइक वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर पर्सनल? एक्चुअली इट्स बोथ ऑफ देम। आपने बिल्कुल सही कहा, शाई ब्लैडर सिंड्रोम एक बीमारी तो नहीं कह सकते, एक तरह का सिम्टम होता है जिसमें कुछ लोगों को वॉइड करने में यानी यूरिन पास करने में इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होती है, पब्लिक प्लेसेस में वो नहीं वॉइड कर पाते हैं। सो शाई ब्लैडर इज मोर ऑफ अ पर्सनालिटी ट्रेट, इट हैज सम साइकोलॉजिकल इश्यूज एट हैंड, इट हैज सम पर्सनल इश्यूज एट हैंड, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि पेशेंट जब अकेला है और एक क्लोज्ड वॉशरूम है तब नहीं पास कर पाता है। इट इज ओनली व्हेन दे आर इन पब्लिक। जैसे मेल्स हैं वो एक पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं, दो लोग साथ में खड़े हैं, अगर एक बंदा अनकंफर्टेबल है, शाई ब्लैडर से सफर करता है, उससे ज्यादा टाइम लगता है यूरिन पास करने में। सो इट इज वेरी डीप रूटेड, वी डोंट हैव अ वेरी क्लियर आंसर, देयर आर नॉट मेनी मेडिकेशंस फॉर द सेम, इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इशू। एंड विद टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है, थोड़ी समझ आती है, थोड़ी मैच्योरिटी आती है, यूजुअली इट गोज अवे। इट्स नॉट दैट यू नो पीपल विल सफर फ्रॉम इट लाइफ लॉन्ग, एंड इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू कॉज सम मेजर ट्रबल इन लाइफ। कोई बहुत बड़ी बीमारी से वो जूझ रहे हैं जिसके कारण उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आ जाएगा। डॉक्टर सबरवाल, रोबोटिक हम सर्जरी की बात करें, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समाज ने, साइंस ने तरक्की की, मेडिकल साइंस की बात करें, अगर मैं सही हूँ मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कि शायद 80s में ही रोबोटिक सर्जरी जो यूएसए सैक्रामेंटो में शुरुआत हुई या बेल्जियम में थी, आई थिंक। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली जो रोबोटिक सर्जरी है इट वेरीज इन वेरियस स्पेसेस। यस, रोबोटिक सर्जरी हर तरह की होती है, इंक्लूडिंग जो हम लोग करते हैं वो एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं, चेस्ट की सर्जरीज हो सकती हैं, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होती है, पिछले डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने बताया उसके बारे में। देयर आर रोबोटिक आई सर्जरीज विच आर हैपनिंग। सो यस, इट स्टार्टेड इन द 80s बट इट एक्चुअली केम इन अ बिग वे इन द 90s एंड 1999 में जो पहला पेट का रोबोट था जो डाविंची का फर्स्ट जनरेशन सिस्टम था, दैट इज द वन विच हैड कम इन स्पेस। इंडिया में रफली 2004-05 के बाद ये प्रचलित हुआ है, वेस्ट में फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट नाउ इट्स क्वार्टर सेंचुरी दैट्स बीन देयर। मेरा सवाल ये था कि जब हम किसी एक गांव के पेशेंट को रोबोटिक और रोबोट की बात करते हैं तो उसके साथ जो अटेंडेंट होता है या उनका बेटा पढ़ा लिखा वो गूगल सर्च भी करता होगा, आपसे सवाल भी पूछता होगा, क्या हम एक फेथ अभी भी जनरेट कर पाए हैं? हालांकि बहुत प्रचलन है अब तो, आप अगर बात करें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की बात करें, तो क्या अभी भी लोगों में वो फेथ है कि जब हम बात करें, क्योंकि एक टाइम था ना कि भारत में जब हम नाड़ी से भी वैध थे, अब तो खैर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो जब रोबोटिक सर्जरी की बात आती है तो क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस डॉक्टर के सामने में, पेशेंट को समझाने में कि नहीं ये बहुत आसान तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा? सर, कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारी प्रैक्टिस में, एटलीस्ट वेयर आई प्रैक्टिस एट सोहाना हॉस्पिटल, वी हैव पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल्सो एट टाइम्स नेबरिंग स्टेट से आते हैं। जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत आराम से समझ जाते हैं, कई बार अर्बन पॉपुलेशन के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। समय के साथ हम सबको चलना है। रोबोटिक्स इज अ टूल विच एनेबल्स अस टू डू बेटर सर्जरी। डॉक्टर साहब ने पिछले सेशन में भी बताया, द सर्जन इज स्टिल वेरी रेलेवेंट, द सर्जन इज द पर्सन हु इज डूइंग द रोबोटिक सर्जरी। इस संदर्भ में मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूंगा। एक यंग बच्चा था 17 साल का, जिसको किडनी की कोई ब्लॉकेज थी जिसके लिए उसे सर्जरी की जरूरत थी। तो उस बच्चे ने मेरे से पहली बार में सब कुछ समझा, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर सब लोग साथ में आए थे। दे वर फ्रॉम अ विलेज इन पंजाब, सो दे टुक अ डेट फॉर सर्जरी एंड वन डे बिफोर सर्जरी दे ऑल केम टू मी एंड दे सेड के हमारा बच्चा नहीं मान रहा है, आप या तो चीरे वाला कर दीजिए या पुराना वाला लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर दीजिए। आई आस्क्ड द बॉय कि आपको क्या दिक्कत है? बच्चा मुझे बोलता है कि सर मुझे मशीन के अंदर नहीं जाना है और मशीन सर्जरी करेगी, मेरा क्या होगा? सो फॉर्चुनेटली आई हैड माई लैपटॉप विद मी एट दैट टाइम, तो मैंने उनको एक दो वीडियो क्लिप्स दिखाए फॉर मी डूइंग रोबोटिक सर्जरी और उनको समझाया कि भैया रोबोट की मशीन के अंदर नहीं जाना है। रोबोटिक आर्म्स होते हैं जिनका कंट्रोल मेरे पास होता है और वो इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि उसका मार्जिन ऑफ एरर 0.1% से भी नीचे होता है। कुछ भी अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, कहीं कुछ दिक्कत आ जाए तो वो रोबोट शट्स ऑफ ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से कहीं हाथ मार देगा, कुछ कर देगा। द इंस्ट्रूमेंट्स विल स्टिल बी इन माई कंट्रोल। जब भी लाइट आती है, मशीन वापस ऑन होती है, जहां हमने छोड़ा था वहीं के वहीं रह जाती है। वो बच्चा कन्विंस हुआ और वो कन्विंस उसके ग्रैंडफादर ने उसे किया। द एल्डर मैन हु वाज मोर देन 70 इयर्स ऑफ एज, दे अंडरवेंट सर्जरी, दे वर वेरी हैप्पी, दे गेव मी अ रिव्यू एज वेल एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। सो ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को समझाना पड़ता है। So, आपके माध्यम से मैं लोगों को यह बताना चाहूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट रोबोटिक्स इज अ टूल फॉर द सर्जन टू डू बेटर। इट्स नॉट दैट द रोबोट इज गोइंग टू डू योर सर्जरीज, द सर्जन इज गोइंग टू डू द सर्जरीज। द कंट्रोल्स आर डेफिनेटली विद अस। उसकी एनहांसमेंट्स, उसकी कैपेबिलिटीज से हम बेटर और मोर प्रिसाइज और फाइन सर्जरी कर सकते हैं। थोड़ा जोर से अगर बजाते अच्छा लगता। थैंक यू सो मच। डॉक्टर तेजिंदर, आपसे सवाल है मेरा किडनी से रिलेटेड। जो क्रोनिक किडनी डिजीज है उसमें इंडिया का जो नंबर है वो लगातार ऊपर जा रहा है और उसमें बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है डायबिटिक्स जो हैं और साथ ही जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो मैं पढ़ रही थी, इंटरेस्टिंग तो नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है मुझे कहना चाहिए, वो था 49,000 किड्स एंड एडोलेसेंट्स दे हैव किडनी इश्यूज इन इंडिया नाउ पर मिलियन 49,000 विच इज अ बिग नंबर। ये केसेस की अब रिपोर्ट होने की बात है या केसेस आर एक्चुअली ऑन द राइज? केसेस आर एक्चुअली ऑन द राइज मैम। अब हर एज ग्रुप में हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेटली विद चाइल्डहुड, कोई कॉन्जेनिटल अनोमलीज है। एंड इट इज, बच्चों में बात करें जो अर्ली एज में, इट इज मोर टू डू विद द स्ट्रेस इन द लाइफ एंड द पेरेंट्स। आजकल लेट बच्चे होते हैं एंड एज ऑफ फर्स्ट डिलीवरी हैज ऑलमोस्ट क्रॉस 30-32 इन दीज प्लेसेस। जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जितना एज ज्यादा होगा उतनी कॉम्प्लिकेशन बच्चों में आएंगी। देन कमिंग टू द स्ट्रेस इन लाइफ, हर बंदा स्ट्रेसफुल है। हम अपने बच्चों को स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, स्कूल के बाद ट्यूशंस। आई रिमेम्बर मैं स्कूल जाता था, उसके बाद शाम को खेलता था और आगे होमवर्क करके सो जाता था। अब ऐसा रहा नहीं है, बच्चों को शुरू से स्ट्रेसफुल है। हर स्कूल ऐसे हो गए हैं, दे आर मोर ऑफ कि आप वो स्कूल का सारा होमवर्क आपको ऐसे देते हैं जैसे कि बच्चे के पास टाइम ही टाइम है घर पे, मतलब ही हैज गॉट नो टाइम टू प्ले। जबरदस्ती हम लोग कोचिंग करवाते हैं, वो अलग स्ट्रेस है। कोचिंग का कोच आता है, वो कहता है अलग स्ट्रेस है। स्पोर्ट्स में स्ट्रेस है, एक्टिविटीज में स्ट्रेस है। हमने खुद ही ये कल्चर बना दिया स्ट्रेस देने का। स्ट्रेस बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन, अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है, डायबिटीज टाइप 1 है जो बच्चों में शुरू हो जाती है, हम स्ट्रेस से उसको एग्रीवेट कर रहे हैं। एग्रीवेट करते हैं डायबिटिक मेडिकेशंस है तो केमिकल, सारे हमने नाम दवाई रखा हुआ है तो केमिकल, सबके नुकसान भी है। But ये सारी चीजें स्ट्रेस, मतलब ये बहुत ही, मैं आपसे सीरियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ जी, इस रूम में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको स्ट्रेस नहीं होता। हर किसी को स्ट्रेस सबको होगा, लेकिन उस स्ट्रेस को चेक में कैसे रखना है ये इम्पोर्टेंट है ना। वेर इज दैट थ्रेशोल्ड वेर यू हैव टू टेल योरसेल्फ भाई इसके बाद नहीं। मैम सी, देयर हैव टू बी स्ट्रेस बस्टर्स इन लाइफ। स्ट्रेस सबको है, मेरे को होता है, मैं जिम जाता हूँ वहां निकाल के आ जाता हूँ। किसी पे गुस्सा आ रहा है उसको नहीं कहूंगा, वहां पे निकाल दूंगा। किसी को योगा है, किसी को मेडिटेशन है। एवरीवन हैज गॉट अ स्ट्रेस बस्ट इन लाइफ। किसी को किसी से बात करके स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। अब मेरे को स्ट्रेस होगा, मैं किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करूंगा, आई कैन पुल माई हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ इट। आपको स्ट्रेस निकालना है, यू कांट कीप इट इन साइड इवन एनी पॉइंट। किसी को खाना खा के अच्छा लगता है, ही और शी ईट्स अ बेस्ट फूड। स्ट्रेस तो सबको है, बट उसको वेंट आउट करने का कोई ना कोई जरिया चाहिए आपको। अभी मैं थोड़ी देर पहले हमने एक स्टूडेंट से बात की थी, उन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज जाना होता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। वो मैम एक्सक्यूज है। हाँ? मैं सुबह 7 बजे से निकल जाता हूँ इधर उधर, बट आई वेकअप एट 5:30। यू मेक अ ट्रेंड एंड आई स्लीप बाय 10:30। आपको टाइम निकालना पड़ता, टाइम होता है हमारे पास। मेरे रिलेटिव्स कहते हैं तू मिलने नहीं आता, वो मेरा इंटेंशनल है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं मिलना तुम लोगों से, बट टाइम सबके पास होता है। डॉक्टर्स की ओपीडी और जर्नलिस्ट का जो लाइफ शुरू हो जाते हैं 7th से, वो आई थिंक मुझे लगता है सिमिलर ही है। वी आर सो मच बाउंड, प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा है। गवर्नमेंट इज टाइम टू टाइम, उसके बाद नेक्स्ट आप टेक्स ओवर। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, आपको ये कंप्लीट करनी है एंड वो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। और यस मैम, मैंने प्रोफेसर लेवल पे तो बहुत टाइम ही टाइम है मैम। बीइंग रेजिडेंट्स मैंने देखा, हमारा टाइम नहीं होता था। हाँ जी मैम, यू हैव संडेज, यू हैव गेस्टेड हॉलीडेज। ऑन कॉल, नो वी आर ऑन ड्यूटी मैम। नहीं, और आप उसके बावजूद टाइम निकालती है, राइट? बट मैम गवर्नमेंट जॉब्स दे आर ऑलवेज Manage to karna. I've seen my teachers, ma'am. I've always been trained in government sectors, and we used as residents, हम लोग सारा काम करते थे, and वो phone पे होते थे. We used to inform, but I know government is a kind of you have a responsibility, but your responsibility is shared by the people who work under you. If you are on a senior post, you might have got people who are working under you. They just report to you. चलिए स्ट्रेस तो रहेगा. आप मुझे ये बताइए जितने भी लोग यहाँ पे ऑडियंस में हैं या जो लोग भी इसको ऑनलाइन देखेंगे या देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि अपनी किडनी की कैसे देखभाल करनी है. और इसमें शाय मत होइएगा क्योंकि ऑडियंस शाय हो सकती है बिकॉज पीपल वी आर नॉट सो ओपन अबाउट डिस्कसिंग आवर फिजिकल इश्यूज बट डॉक्टर्स कैन बी ब्रूटल राइट. We are made like this. हमारी ट्रेनिंग भी बहुत ब्रूटल होती है मैम. Okay fine. Starting from C मैम. Sorry. My name is Aditi. Aditi. Ma'am is there. Ma'am, first of all, kidneys have to be hydrated, and we sitting in AC rooms don't get a thirst usually, and we need to drink at least that we void. इतना नहीं हमने पीना, हमें निकालना at least 6 to 7 times in a day. This is what we say. अब सर्दियों में एंड गर्मियों में the input automatically differs. But the basic funda is we have to avoid 6 to 7 times a day. Salt in the diet has to be very limited. It has to be खाने में इतना नमक होना चाहिए कि हमें बस नमकीन खाना लगे. First and third of all, we painkillers. We are all workaholics. We get pains every now and then. One of the major reasons people suddenly land up कि मेरे को तो कभी कुछ हुआ ही नहीं ना मेरे घर बीपी है ना शुगर है मेरी किडनीज खराब होगी. Then we take a history. 90, I will say more than 50% of time it's the painkillers, especially people who are suffering from arthritis, back pains. जितने भी हमें over the counter वो हरे पत्ते वाली दवाई खा ली, they are all source of all chronic kidney diseases. Painkillers directly damage our kidneys. उससे hypertension. Once the kidney starts getting damaged, उससे hypertension, more pressure into the kidneys, your kidneys get damaged. And third, diabetics. India, as you told, is full of diabetics. The trend is increasing every day. Sugar control, diet control, exercise has to be there. Otherwise, sugar directly, diabetes is a major leading killer of kidneys. Basically, ma'am, these four reasons. Otherwise, autoimmune disorders. There are many disorders. We can't go into much details. These are the major diseases. The most these days, back pains, arthritis patients, they are landing them into the kidney disease. डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय फिर से बात करेंगे. दिल का तो मामला चलेगा ही चलेगा जब तक है क्योंकि ये इसका थीम भी है कि जब तक है जान. आपने आपकी जितनी भी साल आप पीजीआई में आपने पेशेंट देखते हैं रोज और जब आप फॉरेन जाते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने और एक लाइव ऑपरेशन की भी स्टोरी थी कि मेरा सवाल ये है कि कई आपने ऑपरेशन टफ से टफ किए होंगे. आपकी लाइन में ऐसे होता है कि एक चैलेंज हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी कि नहीं ये अलग तरीके से करना फिर वो खबर के रूप में सामने आता है. कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका दिल टूटा हुआ हो ब्रेकअप हुआ हो? आपकी मुस्कान बता रही है कि आपके पास पक्का कुछ ऐसा डाटा है. हाँ, टूटे हुए दिल को जोड़ना ही हमारा काम है. क्या बात आते हैं ये तो तालियां बननी चाहिए. देखिए देखिए कितनी तालियां मुझे टूटे दिल की बात सुन के. एक्यूट स्ट्रेस सेकेंडरी टू डाइवर्स ब्रेकअप एक्यूट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ब्रेकअप डाइवर्स डेथ ऑफ द स्पाउस death of the children, retirement, these are certain factors, risk factor, unemployment, post-COVID stress, which is economical, physical and mental. These are various factors which can precipitate acute heart attack. और इस तरह के पेशेंट आते हैं. वही सुन लीजिए, ज़्यादा दिल मत लगाइए. मेरा एक पेशेंट उसका सन एक्सपायर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वी हैड पुट ए आईसीडी. आईसीडी इज द डिवाइस विच प्रिवेंट द कार्डियक अरेस्ट. आईसीडी इज द डिवाइस विच प्रिवेंट द कार्डियक अरेस्ट. सो एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल ऑफ हिज सन ही हैड न कार्डियक अरेस्ट एंड बिकॉज ऑफ द डिवाइस he got a shock and could be revived and got admitted again at CCU. Are you talking about the pacemaker? Is it the same thing? It's a ICD, it's type of pacemaker, okay, which prevent the cardiac arrest. So this type of stress do precipitate the acute coronary syndrome, and that can be one of the reason कि जो आप social media में देखते हैं ये एक्सपायर हो गया वो एक्सपायर हो गया या जिम में एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर ली है उससे या मैराथन में एट द एज ऑफ 45-50 समबडी वाज रनिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स. These are the stresses which are physical and also mental, can precipitate acute heart attack. मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कुछ तो रीजंस हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, किसी की डेथ हो जाना, किसी का आपसे अलग हो जाना, लेकिन there are reasons, factors which are beyond your control, but otherwise एक हेल्दी हार्ट कैसे रखा जा सकता है अपने हार्ट को हेल्दी, और जाहिर तौर पे दिल नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है वो दिल, नॉट नेसेसरली किसी आदमी या औरत के साथ हो, इट कुड बी विद योर जॉब, इट कुड बी विद योर स्पोर्ट, इट कुड बी विद एनीथिंग, इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली, दिल लगाना इज योर इन्वॉल्वमेंट विद दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और दैट पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन हार्ट को हेल्दी कैसे रखना? सबसे पहले जो आपने दिल लगाने की बात कही, मैं ये करना चाहूंगा कि किसी भी चीज में स्ट्रेस, the stress which is going to affect your personal and family life, to that extent that has to be avoided, and health is basically physical, mental and spiritual well-being. तो physical gym में जाना, exercise करना, mental yoga करना, spiritual जो भी आप वर्शिप कर सकते हैं, तो ये सब चीजें करनी होती है, ये these are helpful to decrease the stress as well. रही बात हार्ट का, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस, दिल टूटने से एक्सपायर हो गया बिकॉज सो मेनी रीजंस, लेकिन इसमें अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर भी है, वो रिस्क फैक्टर है एज ज़्यादा होना, विद द एज एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट की डिजीज इंक्रीज होती, और एज के अलावा जेनेटिक फैक्टर, फैमिली, और फिर ये रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो अगर ये रिस्क फैक्टर हैं और उस पर कोई एक्यूट स्ट्रेस हुआ है, सो दैट कैन प्रिसिपिटेट एक्यूट हार्ट अटैक. तो जो भी रीजन हो, लेकिन उसमें अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर 70 से 80% पेशेंट में होते हैं, 20% में इट कैन बी जेनेटिक रिस्क फैक्टर विच इज नॉट अंडर कंट्रोल, बट 80% में अगर हम रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करें तो हम हेल्दी हार्ट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. एक मैं सभी तीनों से जल्दी से ये पूछना चाहूंगा, अभी आपके जब मैं सुन रहा था तो मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले जिम में एक शुरुआत की थी किसी ने कि आप जब जिम ज्वाइन करें तो अपने बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट लेके आएं. डू यू थिंक इज द राइट वे? आप अगर तीनों से, मैं आपसे सबसे पहले. जिम में अगर यंग इंडिविजुअल है 20 साल का, 25 साल का, ही कैन कैरी ऑन, और जिम ट्रेनर को पता होता है इट हैज टू बी ग्रेजुअली इंक्रीज, और मैं आफ्टर द एज ऑफ 35, 40 या किसी को रिस्क फैक्टर तो अर्लियर देन 40, मैं ये कहूंगा कि एक तो आप रेगुलर ग्रेजुअली इंक्रीज करें जिम एक्टिविटी, ना कि ऑल ऑफ सडन यू गो टू एक्सट्रीम एक्सरसाइज. इन बिटवीन अगर आपने ड्रॉप कर दिया जिम एक्टिविटी फॉर से 2-3 मंथ्स और 4 मंथ्स, डोंट गो टू द सेम लेवल वेयर यू लेफ्ट, कि आपकी बॉडी क्या है, किडनी कैसे काम कर रही है, तो ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करें. सेकंड थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एडिक्वेट हाइड्रेशन एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज. पानी पी के फिर जिम करें, ना कि डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन की वजह से आई थिंक अदिति ने आपने कहा था ना कि जो सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं जिम में जाके, कि कोच ने बोल दिया जी डिब्बा ले लो, आप डब्बे में क्या है क्या नहीं है. डॉक्टर सबरवाल, जो मैं बात कर रहा था कि वाकई क्या ये होना चाहिए कि हम साइंटिफिक युग में जी रहे हैं. स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करें कि जब एक प्लेयर का आप देखिए कि वो नेशनल कैंप में जाता है या आप जाता है, उसका पूरा बॉडी स्कैन करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन की टीम. अब तो टचवुड इंडिया में काफी स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं. सो आपको क्या लगता है कि वाकई जब कोई शुरुआत हो तो ये कर लेना चाहिए, ठीक रहेगा? कॉमन सेंसिकली अगर हम देखना चाहें कि हमारा फिटनेस लेवल क्या है, सो फिटनेस एंड योर ब्लड रिपोर्ट्स और योर टेस्ट आर अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो सकती हैं और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम रेगुलर चेकअप्स में नहीं कराते हैं, जो हमें एक्चुअली बताते हैं कि हमारी बॉडी से के साथ क्या खराब चल रहा है. सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू गेट योर टेस्ट डन, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. कौन से टेस्ट की बात करें आप, जो आप कह रहे हैं कि यूजुअली लोग कराते नहीं है, बट एक्चुअली दे आर द रियल इंडिकेटर्स ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ. सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है. अगर आप बात करें कोई 25 साल का लड़का जिम ज्वाइन करना चाहता है तो वो जरूरी नहीं है कि अपना लिपिड प्रोफाइल 25 साल पे कराएगा. बहुत सारे ऐसे मार्कर्स होते हैं जो कार्डियक स्ट्रेस के होते हैं, डॉक्टर साहब बेटर बता सकते हैं. किसी को अगर चेस्ट पेन होता है तो वो ट्रोपोनिन-T नाम का टेस्ट कराता है. अगर आप 45-year-old बेल जिम जाता है और सडनली हैवी एक्टिविटी शुरू करता है, चेस्ट पेन होता है, उनको नहीं मालूम उनके साथ क्या हो रहा है, बट अगर उनका शायद वो कोई टेस्ट हुआ हो, सर्ज बेटर बता सकेंगे. इकोकार्डियोग्राफी होती है, आगे आपका TMT टेस्ट होता है जिसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं. दोज कैन टेल यू वेदर यू आर फिट इनफ टू डू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी इन द जिम, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. young persons ko maybe not, but somebody maybe above the age of 40 who's not actually been to the gym and suddenly wants to really work out, maybe it is a better idea to first get yourself tested, have your basic blood levels in check, and then you can go forward. कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां पकड़ में आती हैं, हमारे साथ ओपीडी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कॉमन है, किसी XYZ बीमारी के साथ पेशेंट आते हैं, हम उनके बेसिक से टेस्ट रैंडम ब्लड शुगर HbA1c कराते हैं, दे आर डायबिटिक्स, उनका अनकंट्रोल डायबिटीज होता है, लेवल्स आर थ्रू द रूफ, 11-12 की HbA1c के साथ आते हैं. सो उससे एटलीस्ट हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमें अब और आगे क्या बेहतर करना है. सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड मे बी इट्स अ गुड आइडिया टू मे बी कंसल्ट अ फिजिशियन फर्स्ट इफ यू आर गोइंग इनटू वेरी हैवी जिमिंग और यू आर स्टार्टिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आपका इसमें एक छोटा सा चाहूंगा कि जैसे दिल किडनी की बात करें कि और प्रोसीजर किडनी जो ट्रांसप्लांट का आई थिंक एक प्रोसीजर है, टेक्निकलिटीज है. लोग अभी हम कभी मैसेज देखते हैं कि जी किडनी ट्रांसप्लांट कराने जी फटाफट जर्नलिस्ट हैं, मैंने नरेंद्र जी को कर दिया, डॉक्टर साहब के पास चले गए, लेकिन वो प्रोसीजर है, लेंथी प्रोसीजर है, टेक्निकलिटीज है उसमें. आपको क्या लगता है कि क्या और वर्कआउट हालांकि करते हैं, कर भी रहे हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो, उस लेंथी प्रोसीजर को थोड़ा कम करने की पॉपुलेशन के हिसाब से आपको लगता है कि और वर्क किया जाना चाहिए उस पर? लेंदी आप किस सेंस में कह रहे हो कि टाइम टू ट्रांसप्लांट के वो किडनी मैच करना फिर कमेटीज के पास जरूरी है. हमारे यहाँ पे इतना इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट होना शुरू हो गया है, इट हैज टू बी वेरी वेरी मेटिकुलस वर्कअप. अखीर में एट द एंड ऑफ द डे जितने बीच के लोग थे सब जाते हैं, इट इज ऑलवेज द हॉस्पिटल एंड द सर्जन हु इज टू बी ब्लेम्ड. ठीक है, सो वर्कअप तो होना चाहिए, बट येस टाइम कैन बी रिड्यूस्ड. एडमिनिस्ट्रेशन आजकल कितनी अच्छी गवर्नमेंट्स ने अपना सेटअप शुरू किया, सब कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स निकलते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, मैजिस्ट्रेट, अपना तहसीलदार, ये वो सारी चीजें आजकल काफी स्टेट्स में ऑनलाइन होना शुरू हो गया है. एंड सब कुछ पहले हाथ में या कागज बाई पोस्ट जाता था, आजकल ऑन मेल जा रहा है. गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, दे आर ट्राइंग टू वर्क ये कितना शॉर्टन अप हो जाए. एंड इसलिए हमारे देश में अब किडनी ट्रांसप्लांट का रेट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया. आई वर्क इन इंस्टीट्यूशन जिनमें साल में अराउंड 600-700 ट्रांसप्लांट हम करते थे, डिस्पाइट जनरल यूरोलॉजी भी करते थे. सो ट्रेंड इज पिकिंग अप, पीपल आर जागरूक हो रहे हैं एंड कि ये बहुत अच्छी टेक्निक तो है. लेकिन मेरा उसमें सवाल है, इज इट अफोर्डेबल, एक और दूसरा एक्सेस इन रूरल एरियाज. मैम बहुत अच्छा अफोर्डेबल है, इफ यू हैव गॉट एन आयुष्मान भारत कार्ड इट्स टोटली कैशलेस, फ्री ऑफ कॉस्ट. आप बनवाइए, अगर कोई भी बीपीएल बिलो प्रॉपर्टी लाइन है, सबका लिस्ट में नाम है आपका कार्ड बनता है. इट्स गवर्नमेंट इज टेकिंग सच अ गुड इनिशिएटिव, आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है. नो, वी डोंट टेक चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम आयुष्मान भारत पेशेंट. इसी अब जितने भी सरकारी पैनल हैं, उनके पैसे रीइंबर्स होते हैं, उनके फिक्स रेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमें बताए हुए हैं. हमारे पास आफ्टर कोविड हम ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन माइट हैव नाउ गेट द हेल्थ कार्ड्स, सबने इंश्योरेंस कार्ड्स बना लिए हैं. एंड दिस हैज वर्कड अप, पेशेंट्स को पैसे नहीं देने, आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है. वन थिंग आई लाइक टू एड इन दैट, इफ आई मे, जो आप पूछना चाह रहे हो एक्चुअली, वन अदर थिंग जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो तो सही है, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस, देयर आर वेरियस हेल्थ कार्ड्स, देयर आर स्कीम्स. बट वन वे टू एक्चुअली डिक्रीज दिस टाइम टू किडनी ट्रांसप्लांट इज, इंडिया में अगर आप देखें तो लिविंग ऑर्गन डोनेशन सबसे ज्यादा कॉमन है. कोई एक बंदा जो आपका स्वस्थ रिलेटिव, जो खुद आदमी स्वस्थ है, अपने रिलेटिव जो बीमार है उसको ऑर्गन देना चाहता है. सो दैट इज मोस्टली 90% ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग. आई एम अ ट्रांसप्लांट सर्जन, सो द ट्रांसप्लांट्स दैट आई डू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट्स. एक कैडेवरिक डिजीज डेथ के बाद, जो किसी आदमी की ब्रेन डेथ हो चुकी है और वो अदरवाइज स्वस्थ है, उसके ऑर्गन स्वस्थ हैं, अगर वो हम साइन अप करें और उसको जागरूक करें तो दिस टाइम टू ट्रांसप्लांट कैन डिक्रीज. इन वेस्टर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डूइंग कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स. ब्रेन डेथ के बाद लोग साइन ऑफ कर देते हैं, बहुत सारे लॉज इन प्लेस हैं कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से लोगों को वो लिस्ट में किडनीज मिल जाती हैं. रेशियो इज रिवर्स्ड इन इंडिया. हमारे यहाँ 90% लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ केरला जहां पे वो काफी हाई है, 40-50% है. इन द वेस्ट इट इज द अदर वे राउंड, इट इज द कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स व्हिच आर 80-90%. सो दैट इज वन वे वी एज एन इंडियन पॉपुलेशन कैन स्टेप अप, वी कैन साइन ऑफ, वी कैन टेक आवर रिलेटिव्स इनटू कॉन्फिडेंस. उनको हम कह सकते हैं कि यार ये कोई, इसमें कोई खराब बात नहीं है, मेरे बाद कोई और किसी और को जीवन मिल सकता है. सो दैट इज वन वे वेयर वी कैन डिक्रीज. के साथ ही मैं एक ऐड करूंगा, जैसे पीजीआई में रोटो डिपार्टमेंट होता है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आप लोग भी टीम होती है समझाने में, पेशेंट आया कि आप साइन करा लीजिए ये काम आएगा किसी के, और हम लोग जो स्टोरियां भी करते हैं कि एक रोशनी देगी जिंदगी की. तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कितना चैलेंज रहता है कि अब एट द टाइम पेशेंट को समझाना, उसको वो करना. यू हैव टू रोप इन एनजीओज, दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड. ओके, देयर आर, आप, हो सकता है किसी को लगे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनका कोई फायदा है, इनको इस ट्रांसप्लांट होने से पैसे मिल जाएंगे इसलिए वो करना चाहते हैं. एनजीओज आर न्यूट्रल बॉडीज वेयर a lot of them, Mohan Foundation शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, that's the number one foundation for the kidney transplant program. It started in Kerala and Karnataka, and it's doing very well. So NGOs को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट डेडिकेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो एक पूरा सिस्टम बनता है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं. इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट फॉर मनी ओनली, इट इज टू बेसिकली improve the quality of life of someone who may have a few more years to live if we are all on the same page. ऐसा नहीं है कि उस आदमी को सफर करना है, उसको डायलिसिस कराते रहना है जब तक उसको किडनी नहीं मिलती है. हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं. चलने पे डायलिसिस सालों साल चलती है. कुछ लोगों को हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं, बीपी ऊपर नीचे होता है, वो नहीं झेल पाते हैं, तो उनके लिए ट्रांसप्लांट मैंडेटरी हो जाता है. लेकिन हमारे यहाँ शायद कॉन्वर्सेशंस नहीं होते हैं, हमारे यहाँ इनहिबिशंस बहुत ज्यादा हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. रिलीजियस रीजंस भी बहुत हैं. हमारे रिलीजन में है कि आप अगले जन्म में बिना ऑर्गन के पैदा होगे, सो टैबूज है बेसिकली, एंड वी नीड टू गो ओवर इट. बहुत आगे बढ़ रहे तो हर चीज में बढ़ना चाहिए. टू एड ओवर हियर पीजीआई डॉक्टर, यू एग्री विद मी? PGI has already started the cadaveric transplantation from the last 2 or 3 years or so, and we are doing a good percentage of patients with the cadaveric transplantation. So that's also going to decrease the time required for renal transplant. चलिए कुल मिलाकर अपने हार्ट का ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, फिटनेस पे फोकस कीजिए, और प्लीज कुछ भी नई चीज, ना ट्रेनिंग, ना दवा, ना सप्लीमेंट, डॉक्टर की निगरानी के बिना मत कीजिएगा. डोंट बिकम अ सेल्फ डॉक्टर. उसके लिए स्पेशलिस्ट बैठे, और इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड रिनाउंड, सो प्लीज फॉलो देम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टे ऑन स्टेज. इट्स टाइम टू फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल गेस्ट. इसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर जगमीत जम्मू, रिटेल बिजनेस हेड, हिंदी स्पीकिंग मार्केट, News 18, टू प्लीज कम ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट आवर ऑनरेबल गेस्ट. Dr. Tejinderpal Singh Khurana, Department of Urology and Renal Science, MBBS, MS, MCH Urology, Park Healing Touch Hospital, Ambala. Thank you so much, sir. Then we have Dr. Karmavirr S Sabharwal, Senior Consultant, Urology and Urology, Robotic and Renal Transplant Surgeon, Sohana Hospital. Thank you so much, sir. Then we have Professor Dr. Rajesh Vijayvergiya, Professor Cardiology, Department of Cardiology, PGI, AMIA. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone.